कि देश में जब तक दलित जो सबसे आखिरी सोपान में है सीढ़ी के ऊपर नहीं आएगा, तब तक हमें भी न्याय नहीं मिलेगा। इसका संविधान के एडॉप्टेशन के बाद मिला, क्योंकि ये भारत का जो स्वरूप है, यह स्वरूप इस अंदाज में इससे पहले कभी नहीं था। चाहे वो मुगलों का शासक हो, चाहे वो आदिवासियों और आदिवासी राजाओं का शासन रहा हो, अशोक सम्राट का शासन हो, स्वरूप बदलता रहा है। ये स्टेबल स्वरूप जो आज हमें मिला है, व्यवस्था का, भौगोलिक स्थिति का, ये स्वरूप 1950 26 जनवरी से जो मिला है, मैं उसी के बाद की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं उससे 3 साल पहले पैदा हुआ था और जाहिर है आज़ादी हो रही थी, मैं दुनिया में आया। 3 साल में कोई बच्चा कुछ समझता नहीं है, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत समझने वाला हुआ तो 50 के बाद ही होना शुरू हुआ। बहनों और भाइयों, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक हमारा दावा है। लेकिन जितनी भी आई तो मुझे लगा स्वामी जी ने आज पूरी राजनीति की चर्चा की कि माइक्रोस्कोपी के तब का है, वो खैबर से आए, कहाँ से आए, बहरे यूरेशिया से आए, वो भी वायरस है, उसमें नहीं आएंगे। आज देश में राजसत्ता में बैठे हैं और हम जो देश का बहुसंख्यक समाज है, वो आज ताली बजा रहा है, पिट करके जंतर मंतर में हाय बाबा कर रहा है। इसके आगे कोई रोल नहीं हमारा, ये भी विडंबना। 70 साल के वयस्क लोकतांत्रिक देश में ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। शिक्षा है, लोकसभा में आरक्षित सीटों से 100 से ज्यादा हमारे सांसद बैठे, लेकिन गिना गुलामों की कोई गिनती नहीं हुआ करती। 133 सौ से ज्यादा गुलामों की कोई गिनती नहीं होती है, होती है मवेशियों की गिनती होती है, गिनती होती है सिफर्ड की, चरवाहे की, 3 चरवाहे हैं तो गिनती में आते हैं, भेड़े गिनती में नहीं आती है। हम भेड़ और बकरी हैं, 133 भी भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं है। इसलिए हमें उनका उनकी संख्या की उपलब्धि नहीं माननी चाहिए, ये मेरा सोचना होता है, उससे सहमत ना हूं। जैसे शहनवाज मुख्तार अब्बास नकवी को मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, मैं अपनों में नहीं मानता, मैं गुलामों में मानता हूं। तितर गुलाम, तितर गुलाम जानते हैं, पक्षी होता है तितर, वो तोता भी होता है, तोता हुआ पालिए, सोने का पिंजरा बनाइए, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स की लाइए, थोड़े बहुत पर भी कतर दीजिए, और जैसे ही मौका मिलेगा आप छोड़ेंगे, वो फर्ज से उड़ जाएगा, वो अपने मालिक अपने आका का वफादार नहीं होगा। ये होता है तितर गुलाम, लेकिन एक होता है वो, ये होता है तोता गुलाम, एक होता है तितर गुलाम। मैं गांव का हूं, एक पक्षी होता है तितर, हमारे बाप दादा भी तितर पाला करते थे, इसलिए मैं कन्वर्ट मुस्लिम हूँ, मैं आप ही लोगों में हूँ, हमारा DNA भी वही है और हमारा होश हवास दुरुस्त है, क्योंकि मैं अपने घर का पहला स्नातक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, वरना दूध वाले हैं हम, भैंस वाले हैं। तो भाई तितर गुलाम हम जैसे लोग होता है, वो क्या करता है, उसको लाता है पालने वाला, पालता है, कुछ अपना नहीं खिलाता है, ले जाता है और वो कीड़े मकोड़े क्या कहलाता है, वो खेतों में निकलते हैं जो दीमक, दीमक कहते हैं ना, एक होता है इंसेक्ट होता है तो दीमक खाता है, लेकिन वो पर भी पूरे होते हैं, उसे छोड़ता है खेत में और दूसरे तीतरों को काट करके बुलाता है, और जैसे ही वो इशारा करता है पिंजरे में खुद आ जाता है और दो एक तीतर और ले आता है। तो ये 133 तीतर गुलाम है जिनको हमें अपना नहीं समझना चाहिए, पहले तो ये जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली में रहते हैं और IRS हैं, बहुत करीबी मित्रता हमारी रही 40 साल, वर्ल्ड बुद्धा क्लब के सदर थे, आरक्षण के लिए बड़ी बड़ी रैली की, 10 लाख की रैली की, हमने भी उनको कई जगह उत्तर प्रदेश बंगाल और कर्नाटक में बुलाया, बड़े बड़े जनसभाएं की, रायचूर में किया, गुलबर्गा ने किया 1 लाख आदमी की जनसभा,
हमारा एमएलए था वहां गुड़गांव से, मर गया, दुनिया में नहीं है। लेकिन उसको मौका मिला जब उदित राज को, वो जल्दी से चप करके बीजेपी में चला गया। बीजेपी में जाने से पहले एक आधा घर भी गया, मैं घर गया जब, उसके घर में दो बड़े बड़े कुत्ते पले हुए थे, हमें बड़ी कुत्ते से बहशत होती है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि नेचर जानी है तो गुलामों का, अभी भी ये कुत्ते होंगे। मैं गया, मैंने कहा ये को पाले कितना खर्चा आता है, बोला एक पे 10,000 आता है, दो पे 20,000। अंदर गया, परिचय कराया अपनी पत्नी जी से, तो हमें लगा कि ये इनकी दूसरी पत्नी है। घर अंदर बता भी दिया कि IRS की है, ये दूसरी पत्नी है, श्रवण पत्नी है, हमारी पत्नी तो गाँव में थी, बीमार रहती है। खैर वही हाल असमान जी का है, मैं उनके घर भी जाना ना रहा मेरा। मेरी जिंदगी राजनीतिक 56 साल की है, राजनीतिक उम्र तो वैसे 74 पूरा करने वाला हूँ दिसंबर में। लेकिन मैंने देखा कि तितर गुलाम हमारे लिए इतने खतरनाक होते हैं जितना मनुवादी दुश्मन नहीं होता। मेरा ये अनुभव है, इसे आपको भी शेयर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। हमारे पृथ्वीराज जी DGP परिचय कराया गया, हमारा इनका 3-2.5 साल से साथ है। हमें लगा कि इनके साथ मिल करके रीच आउट किया जाए। हमारे एक साथी आज नहीं है, कर्नाटक में है, भाई तेज सिंह जी, आप जानते होंगे, नाम सुना हो, उनका भी साथ है 1995 से हमारा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब की अगर मंशा पूरी करनी है तो देश में असली लोकतंत्र लागू करना पड़ेगा। और लोकतंत्र कहते हैं पार्टिसिपेटिव प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, शिरकत वाली अनुपातित प्रतिनिधित्व की बनी हुई सरकार। हमारा अगर संख्या का प्रतिनिधित्व, वैसे वाल्मीकि समाज के बारे में मेरा ज्ञान ज्यादा नहीं है, लेकिन बताया गया कि दिल्ली में टोटल दलित समाज 23% है, मैं नहीं मान 23 29 मैं गलती पर था, सुधार लिया मैं आपको, 29% दलित समाज में 16% वाल्मीकि समाज है, ऐसा मुझे बताया गया पिछली मीटिंग में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम यूपी में 12% चमार और 20% मुसलमान 3 बार सरकारें दे चुके हैं, तो यहां तो हम परमानेंट हो सकते हैं, हमारा आरक्षण रखा हो जाए। लेकिन ये बात समाज में जाएगी तभी, क्योंकि 15 और 16 31 गुज्जर भाई अपने ही भाई है, जब देखेगा 31 है हो गए तो अपने आप उसका बैठ जाएगा। क्रिस फिलिप जी बैठे हुए हैं पीछे, आए थे बैठे हुए हैं, इनका समाज बहुत जागरूक समाज है, बहुत शिक्षित समाज है, ये यकीनन साथ देंगे। इसलिए ये भी देश में लोकतंत्र के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा लोकतंत्र समाप्ति में खतरा अल्पसंख्यकों को होता है। एक थिंकर कहता है कि द आइडियल डेमोक्रेसी इज दैट, द आइडियल डेमोक्रेसी इज दैट वेयर माइनॉरिटीज आर सेफ एंड फील प्रोटेक्टेड। वेरी गुड, जहां पर लोकतंत्र में अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें वो आदर्श लोकतंत्र है। शुरू में मैंने कहा कि क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो अल्पसंख्यक पे क्रिश्चियन का चर्च विचारेगा और पादरी सुरक्षित नहीं, हमारा तो कोई नौजवान सुरक्षित नहीं, पता नहीं कब किसके साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, और मॉब लिंचिंग करने वालों को मंत्री जी हार पहना के स्वागत करने लगे, क्या विडंबना। सोच सकते हैं आप कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, मंत्रिमंडल का सदस्य और भीड़ तंत्र के द्वारा निर्दोषों को मारने वाले आतंकियों का स्वागत करे, कल्पना कर सकते हैं। यह है हमारा लोकतंत्र, और हम असहाय तमाशा देख रहे हैं, जबकि हमें बकौल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए था, अब तो दोबारा 5 साल दे दिए हमने। भैया कहा करते थे बेदार कौमें, जागरूक कौमें सरकार के जुर्म का 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। और मैंने उनके साथ काम किया है 1967 से लेकर के 71 तक,
लोहिया साहब को लाठियां पड़ती थी। हम भी एवी कॉलेज में पढ़ा करते थे कानपुर में, हमके शिष्य और भूदर नारायण मिश्रा थे, जिंदा हैं अभी, दो और विधायक रहे। हम लोग उनके साथ जाते थे, जवान थे, लाठियों से बचने की कोशिश करते थे। वो कहते थे पागल, जो लाठियों से बचेगा जेल जाने से बचेगा और नेता नहीं हो सकता। नेता होने के लिए जरूरी है कि जालिम पुलिस की लाठियां भी पड़े और जालिम व्यवस्था की लिगाफड़ी में जेल भी जाना पड़े। भाइयों, ये देश हमारा है, हम मूल निवासी हैं, हम मूल वासी हैं, और हम ऐसे रह रहे हैं जैसे इनके गुलाम हो गए, क्योंकि वो तीतर गुलाम हमारे 133 माध्यम बने हमारी गुलामी के। तो हमें दिल्ली की 70 सीटों का निर्णय लेने के लिए बैठना है। एक दिन हमने मान लिया, मुझे आत्मविश्वास है, हमारे साथ वेलफेयर पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बुलवा काउंसिल के अध्यक्ष बैठे हैं, बात हो गई हम लोगों की, हम लोग तैयार हैं मानने को कि हमारा दलित भाई दिल्ली की राजगद्दी पर बड़े भाई की इज्जत से मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले। और ये मैं बात दिल्ली के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात हम शुरू से कहते आए हैं। जब वीपी सिंह के जमाने में मौलंकर हाल में कॉन्फ्रेंस हुई तो हम लोगों ने प्रपोज किया कि पासवान जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा तैयार है, देश का मुसलमान साथ दे, पासवान जी तैयारी करें, तैयार है, भले ही वो ना होते तैयार, उन्होंने मौलंकर हाल में कहा। हमारा तो ये संकल्प है कि देश में जब तक दलित जो सबसे आखिरी सोपान में है सीढ़ी के ऊपर नहीं आएगा, तब तक हमें भी न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन याराना जरा मजबूत होना चाहिए, मायावती बनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मायावती को मायावती बनाने वाला कौन? भारत का मुसलमान। माननीय काशीराम जी इटावा से हार गए, मायावती बिजनौर से जीत गए। क्यों, कभी गौर किया? बिजनौर में 49% मुसलमान, 22% दलित। क्या बगैर मुसलमान के उन्हें राजगति मिल सकती थी? अदरा सोचिए, पहले सांसद कुरला से हुए, कुरला लोकसभा सीट बंबई के दक्षिणी हिस्से में है, कभी गए बंबई ना? कुरला भी जाइएगा, कुरला में ईस्टर्न यूपी के मुसलमान रहते हैं 37%। ड्रम का कावा, कवाल का कावा, मेहनत का कावा, नाई भट्टी ये सब करने वाला मजदूर गोना बस्ती से श्रावस्ती से आके बस गया सीएसटी रोड में। सीएसटी रोड देखा है कभी? वो तो मुसलमान रहता है। उन्होंने पैसा भी दिया अठावले जी को, वोट भी दिया अठावले जी को, संसद बनाया। उस जमाने में मैं मुस्लिम लीग में था, मुस्लिम लीग ने पूरे तरीके से, जी एम मराठवाला साहब हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, हम लोगों ने एक महीना कैंपेनिंग की, उनको लोकसभा भेजा, आज ठगे से रह गए, कुछ इतर गुलाम हो गए, हम क्या करें। दोस्तों, आज भी चर्चा हो रही थी रास्ते पर, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, मैं शेयर करता हूं, कुछ छिपाता नहीं। देश के कुछ जिम्मेदार बैठे थे, मैं भी उनमें से बैठा हुआ था, बात हो रही थी कि भाई तुम सुलेमान बार बार दलितों पर अविश्वास करते हो, लगता है दलित राजनीति देश में चलेगी नहीं। हमने कहा आई एम ऑप्टिमिस्ट, आई एम ऑप्टिमिस्ट, आई एम नेवर पेसिमिस्ट, मैं आशावादी हूँ, निराशावाद को बहुत समझता हूँ, निराशावाद को बहुत समझता हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा आशावादी रहूंगा। और आशा किससे की जाती है, दुश्मन से या भाई से? आशा तो भाई से की जाती है, अपने भाई से की जाती है, अपनी बहन से की जाती है। बहनों और भाइयों, दिल्ली का चुनाव प्रतिबिंब होगा राष्ट्र के चुनाव का, प्रतिबिंब होगा, इट विल रिफ्लेक्ट द फ्यूचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, भविष्य की राजनीति का प्रतिबिंबन करेगा। आप इतने लोग खड़े हो जाइए, संकल्प ले लीजिए, आज कोई रोक नहीं सकता इस कॉम्बिनेशन को पावर में आने से, टाइम लग सकता है, कोई रोक नहीं सकता, तड़प है, बेचैनी है, इंतजार है। हमें अपनी जेबों से पैसा निकालना पड़ेगा। लोकतंत्र अगर किसी धनाढ्य आदमी की जेब से चलेगा तो फिर अडानी या अंबानी इस देश के मालिक हो जाएंगे, जैसा हो गए। अगर उसे देश को आजाद कराना है तो पसीने की कमाई के रुपए निकालने पड़ेंगे। मैं छोटा आदमी हूं, गरीब आदमी रहा हूं, आज खाता पीता हूं, क्योंकि पेंशन अच्छी खासी 50,000 मुझे पेंशन और 35,000 मेरी पत्नी को पेंशन मिलती है, तो चल रहा है, तनख्वाह से भी चलता रहा।
हमारे पेंशन पतिराज जी भी है, पतन की पत्नी काम करती है पेंशन है। मित्रों 60-70 हजार कमाने वाला आदमी राजनीतिक आंदोलन में आहुति दे सकता है। और सबसे बड़ी शुरुआत की आहुति धन की आहुति होती है, समय की आहुति होती है। अगर ये देने के लिए आप तैयार हैं तो लोकतंत्र बचेगा, वरना लोकतंत्र का एक ही चुनाव आने वाला है लोकसभा का, दोबारा चुनाव होने की संभावना नहीं है। हमें जर्मनी का इतिहास पढ़ना चाहिए, जर्मनी का इतिहास पढ़ना चाहिए। एडॉल्फ हिटलर पहली बार जब वहां का राष्ट्रपति हुआ संवैधानिक व्यवस्था से चुनकर आया, दोबारा जब चुना गया तो संविधान में उसने परिवर्तन करने शुरू किए, फिर काल्पनिक दुश्मन बनाया वहां की अल्पसंख्यक को, मालूम है कौन थे वो, यहूदी। और कहा जब तक यहूदियों से पाक नहीं होगा जर्मन, तब तक जर्मन आदर्श राष्ट्र नहीं बनेगा, दुनिया का सुप्रीम सुपर पावर नहीं बनेगा। और उसने यहूदियों को मरवाना शुरू किया। आज के हिटलर का कौन है काल्पनिक दोस्त दुश्मन, मालूम है आपको, बता नहीं होता नहीं, मोदी, नहीं नहीं मोदी तो वो है, आज के हिटलर का, आज के हिटलर का काल्पनिक दुश्मन कौन, मुस्लिम, काल्पनिक दुश्मन, दुश्मन नहीं है, एक कल्पना इमेजिन दुश्मन खड़ा किया है। क्या कहता है देश का गृह मंत्री, सोच सकते आप, कहता है विदेश से जो रहने वाला आएगा हिंदू होगा तो राष्ट्रीयता नागरिकता मिलेगी, अगर हिंदू नहीं होगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाला गृह मंत्री ये कह सकता है, अब सोचिए भाई, प्रूफ देगा, दस्तावेज देगा, डॉक्यूमेंट देगा, ये देगा, कोई भी होगा हम नागरिकता देंगे, नहीं दे पाएगा नहीं कर देंगे, यही बात करेगा, ये बात करेगा कि इस वर्ण का होगा, इस धर्म का होगा तब हम नागरिकता देंगे वरना नहीं देंगे। क्यों, उन्हें भारत में काल्पनिक दुश्मन एक समाज चाहिए, वो उन्होंने काल्पनिक दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। हम भयभीत नहीं है, समान भयभीत नहीं है, थोड़ा ये नहीं चाहता कि हम निकलें इन्हें और मौका मिल जाए, क्योंकि हम निकले अगर मुकाबले में जाहिर है मनुवादी हम कहेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मनुवादी की ठुकाई भी करेंगे, ठुकाई करेंगे तो ठुकाई स्ट्रीम तक जाएगी तो गृह युद्ध का हाल पैदा होगा, और गृह युद्ध का फायदा किसको होगा, हिटलर को, गृह युद्ध का फायदा हम कमजोरों को नहीं होगा, इसलिए वो अवसर नहीं देना चाहते। धैर्य के साथ, एक्सट्रीम पेशेंस, अधिनायक जितना धैर्य हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि एक आदमी का दिन दहाड़े हत्या हो जाए और उसके हत्यारों को कह दिया जाए वो मॉब लिंचिंग नहीं कर रहे थे, और जिसके हत्यारों उसके उसके फेफड़ों पर मुकदमा चला दिया जाए, आप सोच सकते हैं कि झारखंड में एक असहाय आदमी की हत्या हो जाए और पुलिस ये चार्जशीट लगाए कि ही वॉज नॉट किल्ड इन मॉब लिंचिंग, ही डाइड आउट ऑफ द हार्ट अटैक, आप सोच सकते हैं, ये भी व्यवस्था होगी, जिसी में बैठे हुए हैं बहुत सी चार्जशीट का उन्होंने देखा होगा, ओके किया होगा, इन्हें भी जब पढ़ा होगा तो ताजुब हुआ होगा। लेकिन मित्रों आतताई की किसी एक्शन पे ताजुब नहीं होना चाहिए, उसका कैसे सामना करना इसकी तैयारी होनी चाहिए, ताजुब नहीं होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। और ये आज की मीटिंग, मैं कैदी जी का बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरी थैंकफुल टू हिम, उन्होंने अपनों के बीच में मेरी इन भावनाओं को जाहिर करने का, आपसे अपनी तकलीफ को शेयर करने का मौका दिया है। जैसा मैंने कहा मैं आशावादी हूँ, मुझे बड़ी आशा है कि शायद मेरे मरने के पहले देश में सच्चा पक्का लोकतंत्र स्थापित हो जाए, ये मेरी कोशिश भी होगी। जय हिंद, जय संविधान। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।